दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय माता दी। दोस्तों नवरात्रि उपाय की श्रृंखला में एक और प्रेम लव प्यार के लिए बेहद खास उपाय। यह आपके पार्टनर को सुधारने वाला उपाय है। अगर आपकी लव लाइफ में प्रॉब्लम आपके पार्टनर की तरफ से आती है तो उसे सुधारने का एक बेहद खास उपाय है नवरात्रि में करने के लिए। नवरात्रि में भैरव देव, भैरव बाबा आपके पार्टनर की बुद्धि सुधार देंगे। आपके पार्टनर अगर आपके ऊपर नाजायज गुस्सा करते हैं, वो आपको अकारण डांटते हैं, या बहुत ज़्यादा आपके साथ गंदा व्यवहार करते हैं, या वो आपके काबू में नहीं है। काबू में तो आजकल सब कोई सबको करना चाहता है, अपने अपने पार्टनर को तो कम से कम काबू में रखना ही चाहते हैं, लेकिन हकीकत तो है कि हम अपने खुद को काबू में नहीं रख पाते हैं। खुद को जब काबू में नहीं रख पाते हैं तो दूसरे को काबू में करना ये बहुत कठिन है। इसलिए यहाँ पर देवी देवताओं से प्रार्थना करके उसे सुधारने के लिए कह सकते हैं। लेकिन मैं आपको जो उपाय बता रहा हूँ ये सुधारने तक ही सीमित नहीं है, ये और भी खास है। इस नवरात्रि या किसी भी नवरात्रि आप ये उपाय कर सकते हैं, ये आपके पार्टनर को एक तरह गुलाब का फूल बना देगा। ये उपाय आपके पार्टनर को गुलाब का फूल बना देगा जो हमेशा महकता रहेगा आपके लिए। और दूसरा, अगर दूसरी भाषा में कहूं तो आपके पार्टनर को आपका गुलाम बना देगा। लेकिन पार्टनर को गुलाम बनाना ये आपकी जीत नहीं होगी, पार्टनर को गुलाब बनाना आपकी जीत होगी। आपको हमेशा वो प्यार से बात करें, आपके साथ में अच्छा व्यवहार करें, आपका सम्मान करें, यही तो आपको चाहिए। और आपकी हर बात तो नहीं लेकिन जायज बात माने ये आप चाहते हैं, तो ये आपका ये उपाय करवा सकता है। उपाय थोड़ा सा कठिन हो सकता है लेकिन ये उपाय अगर आप नवरात्रि में कर लेंगे तो निश्चित रूप से इसका असर दिखाई देगा और इससे आपको लाभ भी मिलेगा। तो शुरू करते हैं उपाय बताना, लेकिन उससे पूर्व एक जानकारी और दे दें कि अगर आप नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती का अनुष्ठान करवाना चाहते हैं तो हमारे यहाँ पर बुकिंग ओपन है। आप जो दुर्गा सप्तशती का अनुष्ठान हमारे यहाँ पर 4 सालों से लगातार होते हुए देख रहे हैं, वो इस बार भी हो रहा है, तो हर नवरात्रि में होता है। अगर आप चाहते हैं दुर्गा सप्तशती का अनुष्ठान करवाना तो बुकिंग करने के लिए आप व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा एक ही व्हाट्सएप नंबर है जो कि स्क्रीन पर दिखाई देता है, 7253820848। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करके आप अपनी बुकिंग करवा सकते हैं। 25,000 वाली जो सेपरेट बुकिंग है 25,000 वाली, वो शायद अब बंद हो गई हो क्योंकि ये वीडियो आपको लेट मिल रही है, जब बनी उससे बाद में, तो हो सकता है कि आपको ये बुकिंग ना मिले, तो आप 15,000 या 9,000 या 1100 वाली बुकिंग करा सकते हैं। जैसी भी आपकी सामर्थ्य है वैसे आप करा सकते हैं। 25,000 वाले का ट्राई कर लीजिएगा, अगर आपका हो जाए तो अच्छी बात है, व्हाट्सएप पर आप चैट कर सकते हैं इसकी बुकिंग के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, उपाय बताते हैं। उपाय में क्या करना है आपको, विधि में सबसे पहले आपको 11 लौंग लेनी है प्रत्येक दिन के लिए। 11 लौंग प्रत्येक दिन चाहिए आपको। 11 आपको एक दिन लौंग चाहिए और नौवीं तक ही आपको उपाय करना है। पूरी विधि में जो सामग्री है वो आप ध्यान रखिएगा, स्नान करने के बाद में करना है। माता रानी के किसी ऐसे मंदिर में जाकर के बैठना है, इस उपाय को करते समय किसी ऐसे मंदिर में जाना है जहां माता रानी के साथ साथ भैरव बाबा, भैरव देव की भी मूर्ति हो। ऐसे मंदिर बहुत कम होते हैं लेकिन सही विधि मंदिर की यही होती है कि माता रानी का मंदिर हो, वहां पर द्वार पर या माता रानी के आसपास में जो बगल से हनुमान जी और भैरव बाबा बैठते हैं, वो एक सटीक विधि होती है मंदिर की। तो अगर आपके घर के आसपास में या कहीं दूर भी ऐसा कोई मंदिर है जहां पर भैरव बाबा हनुमान जी हैं तो उसी मंदिर में जाइएगा, अन्यथा आप किसी भी माता रानी के मंदिर में भी बैठ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो है, अगर ऐसा कोई मंदिर है आसपास में तो वहां पर जाना और अच्छा रहेगा। उसके बाद में क्या करना है, हर दिन जाना है आपको। 11 जो लौंग है वो 11 लौंग अपनी मुट्ठी में बंद करना है, सीधे हाथ की मुट्ठी में, और मुट्ठी तेज से बंद कर लीजिएगा। इतना भी तेज मत कीजिएगा कि खून जाम हो जाए,
तो थोड़ा टाइट मुट्ठी बंद करने के बाद में आसन लगा करके बैठ जाइए भैरव बाबा के आगे या माता रानी के आगे, माता रानी के चरणों की तरफ देखिए और प्रार्थना कीजिए। पहले तो आप लगातार 5-10 मिनट तक अपनी जो मनोकामना है, जो प्रार्थना है वो करिएगा। उसके बाद में आपको ओम काल भैरवाय नमः, ओम काल भैरवाय नमः इस मंत्र का मन में आपको कम से कम 15 से 20 मिनट जप करना है। और ये करने के बाद में माता रानी के चरणों में ये 11 लौंग आपको अर्पित कर देनी है अपनी प्रार्थना के साथ में, और भैरव बाबा से आपको प्रार्थना कर लेनी है। भैरव बाबा आपकी ये प्रार्थना सुन लेंगे और आपकी मनोकामना पूरी करेंगे। लेकिन आपको एक दिन करना ये होगा कि उसी मंदिर में जाकर के दसवीं वाले, दसवीं तिथि नवरात्रि समाप्त होने के बाद दसवीं को आपको एक तेल का दीपक जलाना होगा, मिट्टी का दीपक जलाइएगा। मिट्टी के पात्र में सरसों के तेल का दीपक आपको जलाना है और ये माता रानी के चरणों में रख करके आना है। देवोलिया होती है उसमें आप जलाइएगा, और ये चाहे वो आपकी वैसी बत्ती हो, कोई भी किसी प्रकार की बत्ती हो, आप इसे जला सकते हैं, लेकिन ये बत्ती रुई की होनी चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखना। तो ये दीपक आप जलाइए, आपको बहुत बहुत इस विधि से लाभ मिलेगा और आपके पार्टनर की बुद्धि सुधर जाएगी। जो मनोकामना आप चाहेंगे वो आपकी पूरी होगी, पार्टनर का ध्यान आपकी तरफ बढ़ेगा और वो आपके साथ में लॉयल रहेगा, आपका गुलाम बन के रहेगा, आपका गुलाब बन के रहेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके दोस्त, आपके परिजन, आपके संबंधी भी अगर कोई ऐसी समस्या हो रही हो, उनके पार्टनर के साथ में उनकी लाइफ डिस्टर्ब हो रही है, तो उन्हें आप ये उपाय शेयर कीजिएगा। अगर उन्हें ट्रस्ट आता है, विश्वास आता है आपकी तरह, तो वो ये उपाय करेंगे और उन्हें भी लाभ होगा, तो इससे अच्छी कोई बात नहीं होगी, क्योंकि आपके शेयर करने से किसी को लाभ हो जाए। केवल शेयर करना है, वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कर सकते हैं वीडियो को और कमेंट में जय माता दी लिख सकते हैं। उसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।